please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। देश के बड़े बड़े चेहरे आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, देश के नंबर वन बिजनेस चैनल पर। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुरेश प्रभु साहब। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जो जो सोचा था आपने बजट से पहले, आपको वित्त मंत्री जी के बजट में वो सब कुछ मिला है। सर बताइए क्या खास बातें रही आपके लिहाज से इस बजट में? देखिए ये पहला ऐसा बजट होगा कि जिसमें सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले तो बजट में ये होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर ध्यान होना चाहिए। ये फिस्कल कंसोलिडेशन का जो सिलसिला मोदी जी की सरकार आने के बाद जो शुरू हुआ है, वो लगातार पांचवी बजट में भी हम लोगों ने बरकरार रखा है। इसके लिए अरुण जेटली जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी बात कि इस बजट में दूरगामी तौर पर भी जो परिणाम देश के विकास के लिए आवश्यक है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश लगातार बढ़ते गया है। इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे बजट और ऑफ बजट आइटम से भी काफ़ी बड़े मात्रा में निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। तीसरी बात, ये बजट में कृषि क्षेत्र में बड़ी तौर से ध्यान दिया गया है। फिर जो मार्केटिंग की व्यवस्था हो, प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, या आने वाले दिनों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही में हमारा जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर भी बिल्कुल मात्रा में ध्यान दिया गया है। उनके इनकम टैक्स में कटौती भी की गई है और साथ ही में आने वाले दिनों में मिडिल क्लास को शिक्षा में और ज़्यादा करके हेल्थ में जो बड़े मात्रा में निवेश होगा, उसका भी लाभ उनको बड़ी मात्रा में होगा। साथ ही में हमने देखा है कि नए भारत की जो एक तस्वीर हमारे सामने मोदी जी ने पेश की थी, उस तस्वीर को रंग भरने की भी शुरुआत इस बजट से हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इसका भी बड़ा लाभ देश को होगा, समाज को होगा। सर टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, अपेरल्स, इन सबको कुछ ना कुछ बड़ा मिला है इस बार बजट में। लेकिन एक सेक्टर ज्वेलरी सेक्टर, इसको बड़ी होप थी। अब क्या बजट के बाहर गोल्ड पॉलिसी की अपेक्षा करें ये सारे ज्वेलर्स और ये बाजार, इस पर हमें एक अपना राय दीजिए। चलो हो गया सर, मेरा सवाल आपको आवाज आ रही है सर? शायद अब